स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के उर्दू का चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21, 22 और 23 यानी कि टोटल 6 चैप्टर के रिटन क्वेश्चन यानी कि टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, ये टोटल 6 चैप्टर है, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां। इस टोटल 6 के 6 चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आप लोगों के बुक में पूछे गए हैं उन सभी रिटन क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में मैं पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दूंगी। इसीलिए टेंशन फ्री हो जाइए और पहले ही खुश हो जाइए। इस एक वीडियो में, मात्र एक वीडियो में जितना भी चैप्टर है ना, 6 चैप्टर, ये क्या है, गज़ल है। एक ही वीडियो में इन 6 चैप्टर को इसीलिए मैं कंप्लीट करा रही हूँ क्योंकि ये 6 का 6 चैप्टर क्या है, गज़ल। ठीक है, मतलब कि टोटल गज़ल, ट्वेल्थ क्लास के उर्दू के बुक में टोटल 6 गज़ल है। तो इन 6 के 6 गज़ल को आज एक ही वीडियो में हम लोग कम्प्लीट करने वाले हैं, यानी कि सारा क्वेश्चन आंसर कम्प्लीट, गज़ल कम्प्लीट, ख़त्म। तो इस वीडियो से आप लोगों को 2 फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अब आप लोगों को हर एक चैप्टर का अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, जो आप लोग पहले ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाते थे, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ढूंढा करते थे यूट्यूब पर और आप लोगों को कभी कभी मिलता भी नहीं था। तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आप लोग को कम्प्लीट एक ही जगह मिल जा रहा है, मतलब एक ही वीडियो में टोटल गज़ल कम्प्लीट, सब जितना भी 6 चैप्टर है ना, एक ही जगह आप लोग को मिल जा रहा है। तो इस तरह ढूंढने वाला जो झंझट है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अब आप लोगों को कहीं दूसरे जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पूरा कंप्लीट देख लीजिए और कंप्लीट कवर कर लीजिए क्वेश्चन आंसर। ठीक है, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि समय की बचत होगी। एक ही वीडियो में टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, सारा रिटन क्वेश्चन, देन समय बहुत कम लगेगा और कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो सोचिए कितना ज़्यादा फ़ायदा है। इसीलिए मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें दूसरों तक, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों, जितने भी आप लोग हैं कॉन्टैक्ट में लोग हैं, चाहो तो शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके और सभी लोगों का भला हो। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 18 और 19 जो है ना, जैसा कि ये टोटल चैप्टर ही गज़ल है, 18 और 19 चैप्टर जो है ये असदुल्ला खां गालिब यानी कि मिर्ज़ा गालिब का गज़ल है। चैप्टर नंबर जो 18 है, इसका नाम तो नहीं है, मतलब गज़ल है तो गज़ल का कोई टाइटल होता नहीं है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई भी हूँ। तो दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ये जो गज़ल है इसको भी असदुल्ला खां गालिब नहीं लिखा है, और सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, इसको भी मिर्ज़ा गालिब नहीं लिखा है। यानी कि चैप्टर नंबर 18 और 19 ये दोनों गज़ल के राइटर कौन हैं, शायर कौन है, वो है मिर्ज़ा गालिब। उसी तरह 20 और 21 ये दोनों चैप्टर भी क्या है, गज़ल है। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, ये है चैप्टर नंबर 20 और मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, ये चैप्टर नंबर 21 है। इन दोनों चैप्टर के राइटर एक ही है, यगाना चंगेज़ी, मतलब इन दोनों गज़ल के शायर कौन है, यगाना चंगेज़ी। उसी तरह 22 और 23 इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, ये है चैप्टर नंबर 22 और 22वां है हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। ये दोनों गज़ल जो है ये खलीलुर्रहमान आज़मी की लिखी हुई है। ठीक है, मतलब शायर कौन हो गए, खलीलुर्रहमान आज़मी। टोटल 6 गज़ल हो गया। तो चलिए अब हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एक एक करके समझ लेते हैं एकदम डीपली, और अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ। अगर आप लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझने में थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि ऑल चैप्टर मैं कम्प्लीट करा चुकी हूँ, ट्वेल्थ क्लास का जितना भी उर्दू में जितना भी चैप्टर है ना, टोटल कम्प्लीट करा चुकी हूँ। जो स्टूडेंट और जो लोग चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रही हूँ ट्वेल्थ क्लास की उर्दू का, लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो ऑल चैप्टर 1x1 करके आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और तब आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो फाइनली जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है गज़लियात असदुल्ला खां गालिब, यानी कि जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19 ये दोनों चैप्टर क्या है, गज़ल है, और इन दोनों गज़ल के राइटर हैं मिर्ज़ा गालिब। तो इन दोनों चैप्टर को मिक्स करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब कि समझिए कि ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं ये सारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19 दोनों मिलाकर हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये दोनों गज़ल जो है किसके, इसके राइटर कौन है, असदुल्ला खां गालिब यानी कि मिर्ज़ा गालिब, याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर तरीन सवालात से, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को एक ही लाइन में या फिर एक ही लफ्ज़ में दे देना होता है। सबसे पहला सवाल,
कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, यह बात शायर ने किससे कही है। जो स्टार्टिंग में गज़ल के स्टार्टिंग में मिर्ज़ा गालिब बोल रहे हैं कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ये बात शायर किससे कहे हैं, किससे बोले हैं, तो जवाब में लिखा है कि शायर ने यह बात शाह से कही है, यानी कि बादशाह से कही है। वैसे इसका दो सेंस निकल सकता है, ये बात जो है ना मिर्ज़ा गालिब अपने महबूब के लिए भी बोल मतलब ऐसा अर्थ निकाला जाता है, ऐसे तो बताया नहीं है, इस शेर से पता नहीं चल रहा है कि डायरेक्ट किसको बोले हैं मिर्ज़ा गालिब, लेकिन हाँ इससे दो अर्थ निकल रहा है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, यानी कि मैं तुम्हारे दर पर, मैं तुम्हारे दरवाजे पर हमेशा इसी तरह पड़ा हुआ नहीं रहूँगा। ये बात हो सकता है कि शायर जो है बादशाह को बोल रहे हों, या फिर हो सकता है कि अपने महबूब को बोल रहे हों, तो आप अगर इस तरह से भी लिख देंगे कि शायर ने यह बात अपने महबूब से कही है तो भी सही हो जाएगा, या फिर अगर आप लोग लिख सकते हैं कि शायर ने यह बात शाह से कही है, यानी कि बादशाह से कही है, तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, शायर को कौन मिटाना चाहता है? तो शायर को ज़माना मिटाना चाहता है। जैसा कि मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाई हूँ तो आप लोगों को पता होगा, शेर में खुद बोल रहे हैं शायर कि ज़माना मुझको मिटाना चाहता है। ठीक है, तीसरा सवाल, उन्हें कौन लोग नहीं जानते? उन्हें अजीज़ लोग नहीं जानते, शायर को कौन लोग नहीं जानते? अजीज़ लोग नहीं जानते। वह दिन गए ये कहकर शायर क्या बताना चाहता है? तो वह दिन गए ये कहकर शायर अपने नौकर नहीं होने की बात बताना चाहता है। ठीक है, मतलब कि वह दिन गए, शायर कहते हैं शेर में कि वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं, वह दिन गया जो कहते थे कि नौकर नहीं हो, लेकिन अब तुम नौकर हो, यानी कि अब तुम वजीफ़ा लेते हो, सरकार से पेंशन लेते हो और तुम सरकार के नौकर हो चुके हो, तो अब ये बात मत कहो, क्योंकि वो दिन गए जब तुम कहते थे कि नौकर नहीं हूँ मैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और चैप्टर पढ़े हैं तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा सवाल, गालिब ने वजीफ़ा ख्वार किसको कहा है? तो गालिब ने वजीफ़ा ख्वार अपने आप को कहा है, जी हाँ, वो खुद वजीफ़ा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, छठा सवाल कि शायर के रोते रहने से क्या होगा? तो शायर के रोते रहने से बस्तियाँ वीरान हो जाएंगी। सातवां सवाल है कि चमन में किसके जाने से दबिस्तान खुल गया? तो विजुअली बात है, चैप्टर तो मैं आप लोगों को पढ़ाई ही हूँ, चमन में शायर के जाने से दबिस्तान खुल गया, खुद शायर शेर में कह रहे हैं कि मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तान ही खुल गया। दबिस्तान का मतलब क्या है? स्कूल, मस्जिद, मदरसा। ठीक है, तो शायर के दबिस्तान मतलब चमन में जाने से क्या खुल जाता है? दबिस्तान खुल जाता है। ठीक है, आठवां सवाल, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं यहाँ पर स्टार लगा दे रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है, जब मैं खुद एग्ज़ाम देने गई थी ना IAC का, उस वक्त भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सोचिए कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है? तो बाप और बेटे का निस्बत है, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, पिताजी हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नौवां सवाल कि मुवहिद किसे कहते हैं? ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, चैप्टर पढ़े हैं, देन आप लोगों को 1% भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर समझने में। मुवहिद कहते हैं खुदा को, एक मानने वाले को। ठीक है, तो ये हो गया जवाब। दसवां सवाल कि रंज से खोगर होने से क्या मुराद है? तो रंज से खोगर होने से मुराद रंज का आदि होना है। ठीक है, यानी कि रंज, दर्द व गम सहने का आदि हो जाना, आदत लग जाना, उसी को क्या कहते हैं? रंज से खोगर होना। अगर आपको दर्द सहने की, ठीक है, गम बर्दाश्त, दर्द और गम सहने की आदत है, देन आप रंज से खोगर हो चुके हैं, यानी कि रंज का आदि हो चुके हैं, दर्द सहने की आदि हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर सवालात, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जिसका आंसर आप लोगों को 5 लाइन में लिख देना होता है, 5-6 लाइन में लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाता है। देखिए, पहला सवाल है कि शायर ने बताया कि वह पत्थर नहीं है, उसने ये बात क्यों कही? देखिए, जवाब में लिखा हुआ है कि शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब ने बताया कि वो पत्थर नहीं है। गालिब के इस कॉल का पस मंज़र यह है कि जिस वक्त उसने शेर कहा था, उस वक्त शायर नहायत ही कसम परसी की हालत से गुजर रहा था, इसलिए अपने एहसास की नज़ाकत का इज़हार करते हुए ये बात कही कि मैं पत्थर नहीं हूँ जो बेहिस हो जाऊँ, मेरे अंदर भी एहसास है।
तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है और आप लोग पूरी गज़ल को पढ़े हैं, पूरी गज़ल को मैं तशरीह करके एकदम बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझाई हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से ये आंसर लिखा है उसी तरह से लिखें, आप लोग अपने हिसाब से अपने भाषा में लफ्ज़ों को सजा कर लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। और बेस्ट स्टूडेंट वही होता है जो कि खुद से आंसर लिख सके, समझ कर टॉपिक को समझ कर खुद से आंसर लिख ले, वही सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। अगर नहीं आप लोग को लिखने नहीं आ रहा है तो जिस तरह से ये आंसर लिखा है उस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब बहुत ही अच्छा होगा जब आप लोग खुद से लिखें, अपनी भाषा में आप लोग एकदम आसान शब्दों में सजा कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को बस आंसर पता होना चाहिए। शायर ने क्यों कहा है कि वो पत्थर नहीं है, क्योंकि शायर ये बताना चाहते हैं अपने महबूब को या फिर बादशाह को बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर भी एहसास, हमारे अंदर भी क्या है, फीलिंग्स है, एहसास है, एहसासात कूट कूट कर हमारे अंदर भी भरा हुआ है, और मैं कोई पत्थर नहीं हूँ कि तुम्हारे दर पर, तुम्हारे दरवाजे पर यूं ही ज़िंदगी भर पड़ा रहूं। मैं एक इंसान हूँ और इंसान के अंदर, इंसान जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जाता ही रहता है, हरकत तो लाजमी है, और मैं एक इंसान हूँ और इंसान के अंदर फीलिंग्स ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो इंसान के अंदर एहसास जो है वो लाजमी ही है, और वही बोल रहे हैं कि मैं पत्थर नहीं हूँ कि हमारे अंदर एहसास ना हो। तो इसी बात को आप लोगों को सजा कर लिख देना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। शायर ने अपने बारे में यह बात क्यों कही है कि वो लौह है जहाँ पर हर्फ मुकर्रर नहीं है। देखिए जवाब में लिखा है कि गालिब ने गज़ल की तीसरे शेर में ये बात कही है कि मैं लौह है जहाँ पर हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ। इसकी वजह यह है कि शायर अपनी गुर्बत और मुफलिसी से हद दर्जा परेशान है और गुर्बत को ए मुआशरे में अच्छी नज़र से नहीं देखी जाती है। यहाँ पर शायर जो है ना वो बोले हैं कि लौह है जहाँ पर हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। इसकी वजह, ये बोलने का जो वजह है ना वो ये है कि शायर अपनी गुर्बत और मुफलिसी से हद दर्जा परेशान है, यानी कि शायर जो है अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान है और गुर्बत को माशरे में अच्छी नज़र से नहीं देखी जाती है। और जो व्यक्ति गरीब होता है ना उसको समाज के लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, और इसीलिए शायर लोगों के बदसलूकी से परेशान होकर यह बात कहता है कि लोग मुझे क्यों परेशान करते हैं, मैं हर्फ मुकर्रर तो नहीं हूँ कि दुनिया में बार बार आता रहूँगा, मैं दो बार लिखा हुआ हर्फ तो नहीं हूँ कि एक को काट दो तो दूसरे से काम चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक ए इस तरह से लिख दी और एक गलत ए इस तरह से लिख दी, तो ये गलत हो गया तो इसको काट दिया गया, इससे काम चल जाएगा। दो बार लिखा वही, यही बात जो है ना शायर समझाने की कोशिश की है कि मैं दो बार हर्फ लिखा हुआ नहीं हूँ कि एक को काट दो तो दूसरे से काम चल जाएगा, यानी कि मैं इस दुनिया में दो बार पैदा नहीं हुआ हूँ कि एक को मार दो तो एक से काम चल जाएगा, मैं इस दुनिया में एक ही हूँ। तो फिर ये लोग क्यों मुझे परेशान करते हैं, क्यों मेरे मतलब जान के पीछे पड़े हुए हैं, ये लोग जो है ना ये हमें क्यों मिटाना चाहते हैं, ठीक है, ये ज़माना मुझे क्यों मिटाना चाहता है, यही बात बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, पहली गज़ल में शायर के किन तजर्बों का बयान हुआ है। तो देखिए जवाब में लिखा है कि ज़ेर निसाब गालिब की पहली गज़ल गालिब की ज़िंदगी के उस दौर की तख्लीक है जहाँ गालिब इंतहाई तंग दस्ती, बेबसी और कसम परसी की दौर से गुजर रहे थे। चुनांचे उन्हें इज़्तिराब और बेचैनी से आरास्ता इस गज़ल के अशार से एक ख़ास मोड़ की तर्जुमानी होती है। तजर्बों की सतह पर इस गज़ल के तमाम अशार गमवांदवा से मामूर है और गालिब ने अशार में उन्हीं एहसासात की इक्कासी की है। ये आप लोगों को गालिब की जो पहली गज़ल है ना, पहली गज़ल में शायर की तजुर्बों का बयान कर देना है, और यहाँ पर आंसर मैं आप लोगों को पढ़कर तो बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल कि बुलबुले गज़ल ख्वाह क्यों हो गई, यानी कि बुलबुले जो है ना वो भी गज़ल क्यों गाने लगी, ये आप लोगों को बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा। चलिए जवाब देखते हैं। बुलबुले गज़ल ख्वाह हो गई कहने से गालिब का मकसद यह है कि जब मिर्ज़ा गालिब एक शायर की हैसियत से मुगलिया दरबार में पहुँचे तो दरबार में उर्दू शायरी का इतना चर्चा हुआ और उसको इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि दरबार और दिल्ली का हर कसवनाकिस शायरी की तरफ मतवज्जा हो गया और शेर कहने पर आमादा नज़र आने लगा, यानी दिल्ली में शेर और शायरी का अच्छा खासा माहौल हो गया। इसी वजह से शायर कहे हैं कि बुलबुले गज़ल ख्वाह हो गई, सुनकर मेरे नाले बुलबुले भी गज़ल ख्वाह हो गई, यानी कि शायर की हैसियत से जब मुगलिया दरबार में मिर्ज़ा गालिब गए रहते हैं और वहाँ पर शेर पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा उर्दू शायरी इतना चर्चित हो जाता है ना, इतना ज़्यादा मकबूलियत हासिल होती है कि दरबार और दिल्ली के जितने भी लोग हैं, जितने भी शायर हैं, वो शेर कहने पर आमादा नज़र आने लगते हैं, वो भी शेर कहने लगते हैं। तो इसीलिए शायर बोले हैं कि बुलबुले भी गज़ल ख्वाह हो गई, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं पांचवा सवाल कि शायर के मुताबिक मुश्किलें कैसे आसान हो जाती है। तो शायर मिर्ज़ा गालिब के मुताबिक मुश्किलात इंसानी ज़िंदगी का एक नाकाबिले तरदीद हिस्सा है, इसलिए मुश्किलों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात व मसाइब से दोचार नहीं हुआ हो, इसलिए आदमी को चाहिए कि जब मुश्किलात सामने आए तो उनका मुकाबला बहादुरी के साथ करना चाहिए। ठीक है, मुश्किलात को बर्दाश्त करते करते जब आदमी आदी हो जाता है तो मुश्किलात का भी आदमी के लिए वह मुश्किलात भी आदमी के लिए आसान हो जाती है। यानी कि बोल रहे हैं कि इंसान को बहादुरी के साथ मुकाबला करना चाहिए मुश्किलों का। ठीक है, कोई भी ऐसा इस दुनिया में शख्स नहीं है जिसके ज़िंदगी में मुश्किलात और मसाइब से मतलब वो दो चार नहीं हुआ हो, यानी कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी ज़िंदगी में मुसीबत और मुश्किलें नहीं आई हो। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, और इंसान को चाहिए कि वो बहादुरी के साथ उन मुश्किलों का सामना करे और मुश्किलात को बर्दाश्त करते करते जब आदमी आदी हो जाता है यानी कि आदत लग जाता है तो वो मुश्किलात भी आदमी के लिए क्या लगती है, आसान लगने लगती है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तवील सवालात, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। पहला सवाल है कि शामिल निसाब गज़लों की रोशनी में गालिब की शायरी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। अब गालिब की शायरी से अपनी वाकफियत का इजहार करना है और जो आप लोगों के बुक में दिया गया है मिर्ज़ा गालिब की गज़ल उसकी रोशनी में किस तरह के गालिब शायर हैं, किस तरह की वो शायरी करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। चलिए जवाब में देख लेते हैं क्या लिखा गया है कि ज़ेर निसाब शायरी के हिस्से में गालिब की दो गज़लें शामिल है। यह दोनों गज़लें गालिब की बहुत ही मारूफ गज़लें हैं। इन गज़लों में शामिल कई अशार आज भी ज़माना जो ख़ास व आम है। इनमें ज़िंदगी के तजर्बात व मुशाहदात से मुताल्लुक एक होशमंद और हसास शायर के मानी खेज़ फ़िक्र व एहसास का बखूबी इजहार हुआ है। पहली गज़ल के तमाम अशार मज़ामीन के एतबार से एक दूसरे से अलग है, मगर उनमें मिजाज और तजुर्बे के एतबार से एक ही बाहमी रब्त और अंदरूनी वहदत पाई जाती है। एहसास की अंदरूनी बेचैनी, इस्तराब और तिलमिलाहट से मुख्तलिफ रंगों से आरास्ता इस गज़ल के अशार एक ख़ास मोड़ की तर्जुमानी करते हैं। तजुर्बे की सतह पर इस गज़ल के तमाम अशार गमवानदवा से मामोर है और बेकदर बेतौकीर कम हैसियत और बेमाया होने के एहसास की तर्जुमानी करते हैं। गालिब ने अपने ज़माने में जिस तरह कसम परसी, बेबसी और कम मायगी की ज़िंदगी गुजारी है, इन अशार से इन हालात का हमें बखूबी इल्म होता है। जी हाँ, गालिब जो थे ना वो बहुत ही मतलब गरीबी की हालत में उनकी ज़िंदगी गुज़र हुई थी, बहुत ही गरीब थे, ये याद रखिएगा। यहाँ तक कि उनको इतना ज़्यादा मतलब वो गरीब हो गए थे ना कि उनको अपना कपड़ा बर्तन वगैरह भी बेच देना पड़ा, बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो हो सकता है कि उसी बेबसी लाचारी को गज़ल में वो इजहार किए हों। ठीक है, दूसरी गज़ल के हर शेर में शायर ने किसी न किसी मंजर या तमाशे को दिखाने का त्योर दिखाया है और यह तमाम मनाजिर गालिब की फ़िक्र की नई जहतों और उनके एहसास की रंगारंग मतनू लहरों के मुनफरद शायराना अंदाज में पेश करते हैं। किसी मंजर या तमाशे के ताल्लुक से अपने मखसूस इस्तफहामी और ख़ुद को दरियाफ्त करने वाले हौसमंद तयूर के साथ गालिब इन अशार में मौजूद है। तो ये हो गया आंसर। दूसरा सवाल देखिए, गालिब की दूसरी गज़ल को के कोई दो अशार की तशरीह कीजिए। दूसरी गज़ल का कोई भी दो अशार, किसी भी दो शेर की तशरीह कर देना है। देखिए, पहला शेर दिया गया है, मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तान ही खुल गया और बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल ख्वाह हो गई। और दूसरा शेर दिया गया है यहाँ पर, रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। इन दोनों शेर की तशरीह यहाँ पर किया गया है। तो पहले शेर की तशरीह देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि पेश नज़र शेर मिर्ज़ा गालिब की ज़ेर निसाब दूसरे गज़ल से माखूज है। इस शेर में गालिब ने चमन से मुराद शेर व शायरी की दुनिया लिया है। चुनांचे फरमाते हैं कि मैं शेर व शायरी की दुनिया में क्या गया, शेर व शायरी की दुनिया में क्या आया कि गोया शेर व शायरी का एक मतलब शेर व शायरी का एक स्कूल खुल गया। अब शेर व शायरी का ऐसा माहौल बन गया है और मेरी शायरी के कर्ब तजर्बात और एहसासात को देखकर हर तालीम याफ्ता आदमी शायरी से दिलचस्पी लेने लगे और गज़ल सराही करने लगे। बालफाज देगर हम यह भी कह सकते हैं कि चमन की बुलबुलों ने भी अपने नाले व फरियाद का सलीका गालिब की शायरी से हमें सीखा। एक मिनट रुक जाए,
गालिब की शायरी से ही सीखा, यही गालिब की शायरी की इनफरादी खसूसियत है। मतलब यहाँ पर कहना यह है कि जब मिर्ज़ा गालिब शेर व शायरी की दुनिया में क्या है कि शेर व शायरी का एक नया स्कूल ही खुल गया और अब शायरी शेर व शायरी का ऐसा माहौल बन गया कि मतलब सभी लोग शेर व शायरी में दिलचस्पी लेने लगे और वो भी शेर व शायरी करने लगे। ठीक है, यहाँ तक कि चमन की जितनी भी बुलबुलें हैं ना, बुलबुलों ने भी अपने नाले व फरियाद का सलीका गालिब की शायरी से ही सीखा। ऐसा लगा कि बुलबुलें भी शेर व शायरी, मतलब वो भी गज़ल ख्वाह हो गई हैं, वो भी गज़ल गा रही हैं, वो भी गज़ल पढ़ रही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे शेर की तशरीह किया गया है कि ज़ेर नसब शेर मिर्ज़ा गालिब के ज़ेर नसाब दूसरे गज़ल से माखूज है। इस शेर में गालिब दुनियावी रंज व आलम को झेलने और बर्दाश्त करने का सलीका सिखाया है। चुनांचे फरमाते हैं कि रंज व आलम दुनियावी ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, इसलिए जब आदमी को रंज व आलम से दो चार होना पड़े तो बहादुरी से आजमाइशों का मुकाबला करना चाहिए। गालिब ने इन शेर में अपना तजुर्बा बयान किया है कि जब आदमी रंज व आलम का खोगर हो जाता है तो मुश्किलात खुद बखुद आसान नज़र आने लगती है, इसलिए इंसान को रंज व आलम व आजमाइशों से घबराना नहीं चाहिए। तीसरा सवाल है कि गालिब की ज़िंदगी के हालात बयान कीजिए। अब यहाँ पर गालिब की ज़िंदगी के बारे में बताना है, चलिए देख लेते हैं। जवाब में लिखा है कि मिर्ज़ा गालिब मारूफ, मतलब मिर्ज़ा अब्दुल्ला खां गालिब मारूफ किस नाम से हुए, गालिब के नाम से। इनका असल नाम अब्दुल्ला बे खां था। गालिब की पैदाइश 1779 में यानी 1797 ईस्वी को आगरा में हुई थी। वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। और कमसनी में ही मिर्ज़ा गालिब के वालिद अब्दुल्ला बेग का इंतकाल हो गया, यानी कि अभी मिर्ज़ा गालिब 5 साल की उम्र के ही थे, छोटे बच्चे ही थे, तभी इनके वालिद का इंतकाल हो गया। चुनांचे चचा नसरुल्लाह बेग खां ने उनको अपने परवरिश में ले लिया, लेकिन चंद सालों के बाद चचा भी राही मुल्क अदम हुए और अब गालिब बराह रास्त माँ इज़्ज़तुन्निसा बेगम की सरपरस्ती में आ गए। इनकी इब्तदाई तालीम के बारे में कहा जाता है कि मौलवी मुअज़्ज़म साहब ने गालिब से फ़ारसी की तालीम हासिल की। गालिब से, अच्छा जी नहीं, मिर्ज़ा गालिब ने मौलवी साहब से फ़ारसी की तालीम हासिल की, यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया है। और उसी ज़माने में शायरी भी करने लगे। चूँकि तबीयत फितरी तौर पर मोज़ो पाई थी इसलिए शेरगोई में दुश्वारी पेश नहीं आई। 13 साल की उम्र में मिर्ज़ा गालिब की शादी हो गई थी लोहारो ख़ानदान के इलाही बख्श खा मारूफ की बेटी थी उमराव बेगम, तो उनसे शादी हो गई थी। शादी के चंद सालों के बाद गालिब ने दिल्ली में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर लिया, यानी कि हमेशा के लिए स्थायी जीवन के लिए दिल्ली में ही चले गए। और क्याम दिल्ली के दौरान गालिब को माली तंगियों का सामना करना पड़ा था। ख़ानदानी वजीफ़ा के लिए उन्होंने कलकत्ता का भी सफ़र किया लेकिन नाकाम रहे। मतलब इनके ज़िंदगी में आर्थिक स्थिति जो थी ना वो बहुत ही, आप बोल सकते हैं इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी, पैसे वैसे की कमी हो गई थी, गरीब भी थे जैसा कि आप लोगों को मैं बताई भी हूँ, चैप्टर पढ़ाई हूँ तो। और जब मुगलिया दरबार से उनका बाज़ाब्ता ताल्लुक़ हुआ तो उनके हालात मुआफिक होने लगे। जब ये मुगलिया दरबार से मुंसलक हुए, मतलब संबंधित हुए, जाने लगे, शेर पढ़ने लगे तो थोड़ा इनका हालात सुधरा। ठीक है, पैसों की जो कमी थी वो थोड़ी बहुत मतलब भरने लगी, लेकिन कुछ सालों के बाद ही गदर का हमला हो गया 1857 के और हंगामा हो गया, जिसकी वजह से सारी मामला ही उल्टा पड़ गया। और उसके बाद से जब गदर का हमला हुआ, 1857 की क्रांति हुई, देन उस वक्त मिर्ज़ा गालिब पूरी तरीके से, आप बोल सकते हैं इनकी आर्थिक स्थिति पूरी डूबी गई, मतलब पूरी तरीके से, यहाँ तक कि इनको अपना कपड़ा बर्तन वगैरह सब कुछ बेच देना पड़ा, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे। ठीक है, उसके बाद से आखिरकार रामपुर के दरबार से वाबस्ता हो गए थे, संबंधित हो गए थे, और किला का पेंशन भी अंग्रेज़ों ने जारी कर दिया। और उसके बावजूद परेशान किन हालात में खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आई, और इसी परेशानी के आलम में 15 फरवरी 1969 ईस्वी को गालिब का दिल्ली में ही क्या हो गया, इंतकाल हो गया। चौथा सवाल है कि गालिब की शायराना अजमत उनवान से एक मज़मून लिखिए। उनवान क्या होना चाहिए, गालिब की शायराना अजमत, इस उनवान के साथ आप लोगों को मज़मून लिखना है। और उसमें चर्चा किस बात की करनी है, गालिब की शायराना अजमत, गालिब को किस तरह शेर व शायरी की दुनिया में अजमत हासिल हुई, मकबूलियत हासिल हुई, और शायराना खसूसियत के बारे में भी आप लोगों को उस मज़मून में चर्चा करना है। चलिए देख लेते हैं। जवाब में तो ऑब्वियसली बात है, लिखा ही होगा। तो उर्दू शायरी के अफक पर मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत एक दरखशंदा सितारे की मानंद है। गालिब ने उर्दू शायरी को एक नई रंग, नई ज़िंदगी बख्शी, उसे नया हुस्न बख्शा, एक नई रिफत और बुलंदी अता की। उनके कलाम में फ़िक्र व फ़न का हसीन तरीन इम्तिजाज़ है।
कुदरत ने गालिब की फितरत में शायरी का मुल्क वदियत किया था। गालिब से पहले भी उर्दू शायरी की रिवायत थी जो कदीम भी थी और अजीम अलशान भी थी। मीर और सौदा जैसे शुरा के कलाम से उर्दू शायरी का सरमाया बाकी था, लेकिन अंदाज बयान और मजामीन दोनों ही लिहाज से गालिब ने इसे उरूज तक अता किया। उन्होंने अपने कलाम में ज़िंदगी की अकासी और मोहब्बत की तर्जुमानी है। इश्क के फरसूदा मजामीन को उन्होंने भी नज़्म किया, मगर फ़िक्र व तख़य्युल के लिहाज से उसे नयापन और ताजगी अदा की। ठीक है, फ़िक्र व फ़न के लिहाज से कलाम गालिब की खसूसियत हस्ब ज़ैल है। अंदाज़ बयान देखिए, गालिब की कलाम की सबसे बड़ी खसूसियत क्या है? उनका मुनफरद अंदाज़ बयान, जिसे तर्ज अदा, जिद्दत बयान वगैरह नामों से भी याद किया जाता है। गालिब का अंदाज़ बयान और उर्दू गज़ल गोई में बिल्कुल नया था। तो यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब जो है ना, मिर्ज़ा गालिब की पहली खसूसियत क्या बताई गई है कि उनका अंदाज़ बयान, यानी कि उनको जो अंदाज़ बयान शेर व शायरी में जो अपने फीलिंग्स को, अपने एहसास को जो बयान करने का जो अंदाज़ था ना, वो वाकई में बिल्कुल मुनफरद था। मतलब सबसे अलग, एक इनका यूनिक वे था बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एहसास को, अपने जज्बात को शेर व शायरी के अंदाज़ में ढाल दिया करते थे। मतलब बयान करने का अंदाज़ इनका बिल्कुल मुख्तलिफ था, बिल्कुल नया था। वही बात यहाँ पर लिखा गया है। इस वजह से मिर्ज़ा गालिब काफ़ी फेमस हुए थे। और मुश्किल पसंदी, गालिब के कलाम की दूसरी खसूसियत क्या है? दुश्वारी पसंदी या फिर मुश्किल पसंदी आप कह सकते हैं। वह मामूली और सीधे साधे मजामीन को इस तरह बयान करते कि वह दुश्वार फहम हो जाता था। मतलब मिर्ज़ा गालिब अपने शेर व शायरी में थोड़ी फारसी के भी लफ्ज़ यूज़ करते थे, और इस वजह से मामूली और सीधा साधा मजामीन भी को इस तरह से वो लिखते थे, इस तरह से बयान करते थे कि वो दुश्वार फहम लगता था, यानी कि मुश्किल लगता था। ठीक है, और मानी के अमकान बढ़ जाते थे इसी वजह से। उसके बाद से क्या है? रमजिया अंदाज़। कलाम गालिब की तीसरी खसूसियत क्या है? रमजिया अंदाज़, जो दरअसल किनाया की एक किस्म है। रमजिया इमाम गज़ल की ज़रूरी लवाजम है, और गालिब ने इन दोनों का लवाजमात को कमाल तक पहुँचाया है। फ़लसफियाना मसाइल की पेशकश, कलाम गालिब ने पहली बार उर्दू शायरी को फ़लसफियाना मसाइल से रोशनास कराया। गालिब में तसव्वुफ़ तो पहले जो से मौजूद था, लेकिन उसमें फ़लसफियाना जिद्दत तराजी ना थी। गालिब ने पहली बार अपने कलाम में फ़लसफियाना मसाइल को पेश किया, और इसीलिए उन्हें उर्दू का पहला फ़लसफ़ी शायर करार दिया जाता है। ठीक है, ये सारी उनकी खसूसियत है। तो ये हो गया आंसर। आप लोग चाहे तो इतना लंबा लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है, आप लोग इसको शॉर्ट कर लें, छोटा कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली 18 और 19 दो चैप्टर कंप्लीट हो गया, दोनों को मिलाकर क्वेश्चन था ये, दोनों चैप्टर कंप्लीट। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 20 और 21, ये दोनों को मिलाकर ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारा क्वेश्चन क्या है? 20 और 21 दोनों चैप्टर से मिलाकर है। चलिए देख लेते हैं, जो कि क्या है, यगाना चंगेज़ी की गज़ल है। 20-21 चैप्टर जो है यगाना चंगेज़ी की लिखी हुई गज़ल है। स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर तरीन सवालात से, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि यगाना का असली नाम क्या है? तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते हुए मैं आप लोगों को बताई थी, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार। दूसरा सवाल कि यगाना के मानी क्या है? यगाना का मानी होता है अजूबा और यक्ता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यगाना का मानी क्या होता है? अजूबा और यक्ता। ठीक है, और यगाना चंगेज़ी पहले क्या तखलुस करते थे? तो पहले यास तखलुस करते थे, यानी कि इनके शेर व शायरी के लास्ट लाइन में यास लिखा हुआ देखने को मिलता था। ठीक है, पहाड़ काटने वाले की इस्तेलाह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो पहाड़ काटने वाले की इस्तेलाह फरहाद के लिए इस्तेमाल की जाती है। फरहादी तो जो था ना, वो पहाड़ काटने के लिए गया था, तो वही बात है। आगे बढ़ते हैं, मिसरे दुरुस्त कीजिए, यहाँ पर मिसरा दुरुस्त करना है। खता पर दिल की मुझे यास नहीं शर्माना आता, नहीं ये तो गलत हो गया, इसका सही मतलब इसको दुरुस्त करके आप लोगों को लिखना है। तो देखिए दुरुस्त करके लिखा गया है, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, ये है सही लाइन।
सुरमार अच्छा सर मार कर मुझे तीसरे से मर जाना नहीं आता, मुझे सर मार कर तीसरे से मर जाना नहीं आता, पहले मुझे रहेगा तब सर मार कर। तो यहाँ पर पहले सर मार कर है और तब मुझे है, जी नहीं, पहले मुझे रहेगा तब रहेगा सर मार कर, मुझे सर मार कर तीसरे से यानी कि पत्थर से मर जाना नहीं आता। ज़मीन काटने वाले पहाड़ से हार गए, जी नहीं, पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए। यहाँ पर पहाड़ काटने की इस्तेला फरहाद से ली गई है, फरहाद को दी गई है, ठीक है। ये देखिए जरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया है, यगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे, तो जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे यगाना चंगेज़ी। यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई थी, तो 1884 ईस्वी को पैदाइश हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आठवां सवाल कि यगाना की वफ़ात कहाँ हुई, लखनऊ में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वह लफ्ज़ों पे मेरी मुस्कुराते हैं क्या क्या, इसका पहला मिश्रण लिखकर शेर को मुकम्मल कीजिए। जवाब में लिखा है खुशी में अपने कदम चूम लूँ तू ज़ेबा है, तो लफ्ज़ों पे मेरी मुस्कुराते हैं क्या क्या, ये पूरी शेर लिख दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर वही तो पूछा गया है, ये शेर है इसका पहला मिश्रण लिखकर शेर को मुकम्मल कीजिए, तो ये वही इसका पहला मिसरा यहाँ पर लिख दिया गया और शेर को मुकम्मल कर दिया गया है। दसवां सवाल कि इनके सानी मिसरे लिखे, यानी कि अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, इसका सानी मिसरा क्या है, यानी कि इसका जो दूसरा मिसरा है वो क्या है, इसके साथ एक दूसरा मिसरा है, दो मिसरे मिलकर ही ना एक शेर बनते हैं। तो यहाँ पर पहला मिसरा दे दिया गया है, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, अब इसके बाद क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए जवाब में लिखा हुआ भी है अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या और हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या, ये दोनों मिलकर एक शेर बना लेंगे, मतलब इसके बाद ये दूसरा मिसरा है। उसी तरह खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो जेबा है, इसके बाद आ जाएगा वह लफ्ज़ों पे मेरी मुस्कुराते हैं क्या क्या। पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इसके बाद रहेगा ये इस ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या। खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, इसके बाद से ये आ जाएगा खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आते हैं क्या क्या, ठीक है। अब मुख्तसर सवालात स्टार्ट हो रहा है। पहला सवाल है कि यगाना की गज़ल से अपनी पसंदी का शेर नकल कीजिए और अपनी पसंदीदगी का सबब बताइए, ठीक है, अपनी पसंद का शेर। अच्छा, यगाना की गज़ल से कोई भी, यगाना चंगेज़ी की जो गज़ल आप लोगों के बुक में दिया गया है ना, उसमें से कोई भी एक पसंद का शेर उठा लीजिए और जो आपको शेर पसंद आया है उसकी पसंदीदगी का सबब बताइए, मतलब वो शेर आप लोगों को क्यों पसंद आया, क्यों अच्छा लगा, कारण आप लोगों को बता देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक शेर दे दिया गया है, पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाए है क्या क्या, ये सबसे अच्छा शेर है। तो क्यों इतना अच्छा शेर है इसका कारण बता देना है, सबब बताना है। तो जवाब देखिए लिखा गया है कि इस शेर की पसंदीदगी की खास वजह यह है कि शायर ने इस शेर में एक तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया है, यानी शीरी और फरहाद की इश्क व मोहब्बत की वाक़ात को शायर ने इस शेर में बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। शायर की इस्तिलाह में इस तरह की सनात को तलमीह कहते हैं और इसी वजह से ये शेर काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी मशहूर और मकबूल भी है, और इस हिसाब से ये काफ़ी आप यूँ कह सकते हैं पसंद आने वाली भी शेर है। तो ये हो गया आंसर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या का, यहाँ ज़मीन में दरिया समाए हैं से क्या मुराद है। इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं से ज़ाहरी मुराद शायर की फरियाद के वाक़े की तरफ इशारा है, यानी फरहाद ने जिस पहाड़ को खोद कर दूध की नहर निकाली, आखिरकार वह भी उसी नई, एक मिनट रुक जाए, इसको ज़रा मैं और जूम कर दूँ, जी हाँ, तो इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं, इसका मतलब आप लोगों को बताना है, इससे शायर क्या बताना चाहते हैं। तो इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं इससे ज़ाहरी मुराद शायर की फरियाद के वाकई फरहाद के वाकई की तरफ इशारा है, यानी फरहाद ने जिस पहाड़ को खोद कर दूध की नहर निकाली, आखिरकार वह भी उसी मिट्टी में मिल गया, लेकिन हकीकत में शायर की मुराद ज़िंदगी के अंजाम और दुनिया की बेसबाती से है। कैसे कैसे मशहूर लोग दुनिया में हुए और आखिरकार ज़मीन में समा गए, इसी वजह से वह ज़मीन में दरियाओं के समाए होने की बात करते हैं। तीसरा सवाल, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाने नहीं आता, यगाना को दुनिया को समझाना नहीं आता क्यों कह रहा है, आप लोग बताइए।
जवाब में लिखा है कि ज़ेर नसाब मिसरा यह गाना चंगेज़ी की ज़ेर नसाब दूसरी गज़ल के मक्ते का दूसरा मिसरा है। इस शेर में शायर अपने शख्सियत को सीफ़राज में रखना चाहते हैं और बेक वक्त ज़ाहिर करना भी चाहते हैं। इसी बात की वजाहत शायर दूसरे मिसरे में करता है कि शायर दुनियावी ज़िंदगी के तमाम नशीब व फिराज से अच्छी तरह वाकिफ है और यहाँ तक के उस दौर के सियासी हालात पर भी उसकी गहरी नज़र है। खुद समझने का दावा भी है और इन तमाम बातों को दुनिया को समझाने से कासिर है। इसीलिए शायर कहता है कि दुनिया को समझाना नहीं आता, यानी कि वो खुद समझते हैं लेकिन दुनिया को समझाना नहीं आता। चौथा सवाल, दर्ज ज़ैल अशआर की तशरीह कीजिए। पहला ये है शेर और दूसरा है ये शेर, इन दोनों शेर की तशरीह करना है। पहला क्या है कि खुदा ही जाने ये गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। असीरों शौक आज़ादी मुझे भी गुदगुदाता है मगर चादर से बाहर पांव फैलाना नहीं आता। इसका तशरीह करना है तो सबसे पहले पहला शेर की तशरीह की गई है कि पेश नज़र शेर यह गाना चंगेज़ की ज़ेर नसाब पहली गज़ल का मक्ता है। मक्ता के इस शेर में शायर ने अपनी ज़ात से लालमी का इजहार किया है और चुनांचे खुद अपने आप को मुखातिब करते हुए कहता है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम है, मेरी हकीकत का सही इल्म खुदा ही को है, बल्कि खुद अपनी ज़ात के बारे में मेरे दिल में तरह तरह के शक यानी कि शकूक आते रहते हैं और इस शक की वजह से शायर खुद अपनी ज़ात के बारे में मशकूक नज़र आता है। ठीक है, दूसरे शेर की तशरीह की गई है, ज़ेर नज़र शेर यह गाना चंगेज़े की ज़ेर नसाब दूसरी गज़ल का पांचवा शेर है और इस शेर में शायर ने तंजिया लहजा इख्तियार किया है जो यह गाना की शायरी की बुनियादी खूबी है। इसमें शायर ने ताली का भी इज़हार किया है, अपनी बुलंदी और मर्तबे का एहसास जिसकी कदरदानी ज़माने के लोगों ने उनकी ज़िंदगी में नहीं की उसी की झलक इस शेर में मिलती है। कैदियों से मुखातिब होकर कहते हैं कि आज़ादी का शौक़ मुझे भी गुदगुदाता है लेकिन मैं अपनी हैसियत से आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहता। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तवील सवालात। अपने सबक के हवाले से यगाना की गज़ल गोई पर नोट लिखिए। अब यगाना चंगेज़ी की गज़ल गोई पर नोट लिखना है कि ये किस तरह की गज़ल लिखा करते हैं, इनकी गज़ल में कौन कौन सी खसूसियत है जो दिखाई देती है, ये लंबा चौड़ा नोट तैयार कर देना है लिखकर। तो जवाब में लिखा हुआ है कि उर्दू शायरी की तारीख में यगाना चंगेज़ी की खदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता है। खसूसन उर्दू गज़ल गोई में जिन चंद शोरा ने अपना मखसूस छाप छोड़ा उनमें यह गाना चंगेज़ी का शुमार भी किया जाता है। दबिस्तान अजीमाबाद के शोरा में शाद और रासिख के अगर किसी गज़ल गो शायर का नाम लिया जा सकता है तो वह है यह गाना चंगेज़ी का नाम। या अगर यह अलग बात है कि तलाश मुआस में यह गाना चंगेज़ी की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सफ़र में गुजरा और वह अजीमाबाद से दूर रहे, यहाँ तक कि उनका इंतकाल भी लखनऊ में हुआ, उसकी वजह से वह उर्दू गज़ल के मंजरनामे से अलग रहे। लेकिन उनकी गज़लों का जब बाला इस्तियाब मताला किया जाए तो पता चलता है कि उनकी गज़लों का रंग व आहंग बिल्कुल मुनफरद है। ज़ेर नसाब यह गाना की दोनों गज़लें इस हकीकत की गमाजी करती हैं कि मिसाल के तौर पर उनके पहले गज़ल की तीसरी शेर का मिसरा पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए में एक मशहूर तारीखी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। शायरी की इस्तिलाह में इसे तलमी कहते हैं। फरहाद ने कभी शीरी को पाने के लिए पहाड़ काट कर दूध की नहर निकालती थी लेकिन वह कोंकण का आखिरकार उसी मिट्टी का हिस्सा बन गया। यहाँ यगाना का हुनर यह है कि मजकूरा तारीखी किस्से को बयानिया या अल्फाज के फिर बदल के साथ बयान करने के बजाय ज़िंदगी के अंजाम और दुनिया के बेसबाती को पेश नज़र रखते हैं और इसी वजह से वह ज़मीन से दरियाओं के समाये होने की बात भी करते हैं। मतलब कि यहाँ पर तारीखी किस्से को बयानिया अल्फाज में बयान कर दिए हैं, मतलब शेर व शायरी के अंदाज़ में लिखकर बयान कर दिए हैं और वो बताने की मतलब वो एक तारीखी वाक्यों को यूँ शायरी में मतलब अपनी गज़ल में बता दिए हैं, पेश कर दिए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल है कि दर्ज ज़ैल अशआर की तशरीह मानवी रबत को तलाश करते हुए लिख कीजिए।
पहला शेर है कि दिले बे हौसला है एक ज़रा सी ठेस का मेहमा, वह आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता। और दूसरा शेर है मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे सरमार कर तीसरे से मर जाना नहीं आता। तशरीह करना है, पहले शेर की तशरीह यहाँ पर की गई है। देखिए लिखा गया है कि ज़ेर नज़र शेर यगाना चंगेज़ी की ज़ेर निसाब दूसरी गज़ल का चौथा शेर है। इस शेर में भी यगाना चंगेज़ी ने कल्बी वारदात की तरफ इशारा करके मानवी तहों को पेश किया है। चुनांचे शायर कहता है कि दिल में अगर हौसला ना हो तो वह ज़रा सी ठेस में टूट जाता है। जिस दिल को गम खाने की आदत ना हो वह इतना कमज़ोर होगा कि आंसू क्या पिएगा। इस शेर में शायर ने ठेस जैसे मामूली और रोज़मर्रा के अल्फाज को इस्तेमाल करके गहरी मानवियत पैदा की है। ठीक है, दूसरे शेर की तशरीह की गई है। पेश नज़र शेर यगाना चंगेज़ी की दूसरी गज़ल का तीसरा शेर है। इस शेर में शायर ने अपनी बात बड़े सलीके से पेश किया है। इस शेर में शियाक व सबाक के हवाले से नई मानवी तह दरियाफत की जा सकती है और फ़न के हुस्न से भी महफूज हुआ जा सकता है। यहाँ इस शेर में यगाना ने फरहाद की तरफ इशारा किया है, लेकिन मानवी सतह पर एक नई सूरत पैदा करके शेर की तहदारियत और मानवियत में इजाफा कर दिया है। इस शेर में यह गाना चंगेज़ी ने अपनी फितरत की अनानियत और ज़माना से मुकाबला की जज्बा का इजहार किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कि यह गाना किन मौजूआत को ख़ास तौर से गज़ल के पैराए में बयान करते हैं। तो जवाब में लिखा हुआ है कि यह गाना चंगेज़ी की गज़लों की खूबी यह है कि एक ही मौजू को गज़ल में मुख्तलिफ पैराए में बयान किया गया है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि किसी मौजू को गज़ल में इस तरह बयान कर जाते हैं कि वह एक ख़ास लुत्फ दे जाता है, जैसे ज़ेर निसाब गज़ल के चौथे शेर में देखा जा सकता है। बुलंद हो तो खिले तुझ पे जोर पस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। यहाँ भी ख्याल वही है जिसे आपने तीसरे शेर में पढ़ा था, लेकिन इस शेर में बुलंदी और पस्ती के मिसाल से पेश की गई है। यहाँ यह नतीजा उखज किया जा सकता है कि यह गाना अपनी बात को मज़ीद ज़ोरदार और पुरसर बनाने के लिए एक ख्याल को मुख्तलिफ पिराए इजहार अता करते हैं। और इस तरह पांचवी शेर के दूसरे मिसरे को देखिए, वह लग जिस पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या का। इस मिसरे से भी आप यहाँ इश्क के मफहूम भी ले सकते हैं और अहले ज़माना की नाकदरी और या उसी अंदाज़ के दूसरे मफाहिम भी ले सकते हैं। यह सब आपकी तबीयत और ज़ौक पर मुनहसर करता है। गज़ल की जो फ़नी तारीफ़ है उसके तहत गज़ल का हर शेर अपनी जगह मुकम्मल इकाई होता है, लेकिन जिस मिसरे पर आप गौर कर रहे हैं वह अभी तनह एक मुकम्मल ख्याल है। इससे पता चलता है कि यह गाना चंगेज़ी ने एक ही मौजू को शेर के मुख्तलिफ पैराए में बयान किया है। ठीक है, चौथा सवाल, यह गाना ने उर्दू गज़ल की तारीख में कौन सा तजर्बा किया है। इस मौजू पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। यहाँ पर उर्दू गज़ल की तारीख में कौन सा तजुर्बा किया है यगाना चंगेज़ी ने, इस पर आप लोगों को नोट लिखना है। लिखा है जवाब में कि आपने बहुत सारे शुरा के गज़लों को पढ़ा होगा और उनके कलाम में अल्फाज की तरबीत और तरतीब रोज़मर्रा के इस्तेमाल से अलग पाते होंगे, लेकिन यह गाना चंगेज़ी ने अपनी गज़लों में एक नया तजुर्बा किया है। यह उनकी ज़ेर निसाब गज़ल में हम बज़ाहर मुसलसल नसरी तरतीब देख रहे हैं, उसके बावजूद उनकी गज़लों को पढ़ते हुए नसर का गुमान नहीं होता है। यह गाना का एक नया तजुर्बा यह है यह भी है कि इस तरतीब को नसर होने से बचाने के लिए क्या क्या की तकरार है। यह क्या क्या एक तरफ फ़न की ज़रूरियत को पूरा करता है तो दूसरी तरफ ख़्याल को उसके आखिरी हद तक पहुंचाने की कोशिश करता है। दूसरी गज़ल में भी यगाना ने अपनी बातें उसी सलीके से पेश किया है। सियाक व सबाक के हवाले से यहाँ भी नई नई मानवी जहतें और दरियाफत की जा सकती हैं और फ़न के हुस्न से भी हज़ उठाया जा सकता है। इस गज़ल के तीसरे शेर में फरहाद की तरफ इशारा किया गया है, लेकिन मानवी सतह पर एक नई सूरत पैदा की गई है। इस गज़ल में यगाना के यहाँ अनानियत ज़माने से नम्रत आजमाई और जज्बा और हौसला मौजूद है और दूसरे शेर में ज़माने से मुकाबला आरई के हौसला को
अमली जामा भी पहना देते हैं। ठीक है, पांचवा सवाल देखते हैं। दुरुस्त मिसरों के सामने सही का निशान लगाने, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। दुरुस्त मिसरा कौन है? पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, ये है पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, ये सही है, दुरुस्त मिसरा है। ठीक है, उसी तरह खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, ये है खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, ये है सही। ठीक है, ज़ेर अशआर में काफ़ी और अदीब की निशानदेही कीजिए, ये अशआर दिए गए हैं इसमें काफ़ी और अदीब की पहचान करना है, जवाब में लिखा भी होगा। काफ़िया है नहीं आता, नहीं आता, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, नहीं आता नहीं आता नहीं आता। रदीफ काफिया किसे कहते हैं, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, उर्दू ग्रामर नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, मैं आप लोगों को पढ़ाई भी हूँ। रदीफ एकदम बेहतरीन ढंग से उर्दू ग्रामर में, रदीफ और काफिया किसे कहते हैं, या फिर रदीफ और काफिया भाई मुस्कान मैम लिखेंगे तो यूट्यूब पर आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। रदीफ, काफिया, शेर, मिसरा, ये हर एक चीज़ मैं आप लोगों को उर्दू ग्रामर में पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा कि रदीफ काफिया क्या है। और यहाँ पर रदीफ क्या है, शर्माना, लिखवाना, समझाना और मर जाना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, शर्माना, लिखवाना, समझाना और उसके बाद से मर जाना, ये सब क्या है, रदीफ है। और लास्ट वाला एक मिनट, यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है, जी नहीं, यहाँ पर नहीं आता काफिया नहीं होगा बल्कि नहीं आता रदीफ होगा। जी हाँ, लास्ट में जो आता है ना उसको कहते हैं रदीफ, और रदीफ के पहले आने वाला लफ्ज़ क्या कहलाता है, काफिया कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा गलत टाइपिंग कर दिया है और गलत दे दिया गया है, याद रखिएगा लास्ट में शेर के आखिर में जो कलमा आता है ना उसको रदीफ कहते हैं। नहीं आता नहीं आता बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसको कहेंगे रदीफ। और इसके जस्ट बगल में, बगल वाला, जस्ट पीछे वाला जो अल्फाज होता है ना उसको कहते हैं क्या, काफिया। तो यहाँ पर शर्माना, लिखवाना, समझाना, इसको क्या कहेंगे, काफिया कहेंगे। तो आप यूँ कह सकते हैं कि नहीं आता ये क्या है, ये रदीफ है और काफिया हो गया ये। ठीक है, शर्माना, लिखवाना, समझाना और मर जाना। आगे बढ़ते हैं, सातवां सवाल देखते हैं। खाना अलिफ को के मिसरे को खाना बे के मिसरों से मुकम्मल कीजिए, यहाँ पर मतलब मिलान करना है। दिल बेहौसला है एक ज़रा सी ठेस का मेहमा, ये जो पहला वाला है इसमें जाकर मिल जाएगा। सरापा राज हूँ मैं, सरापा राज हूँ मैं, ये कहाँ जाकर मिलेगा, सरापा राज हूँ मैं, क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ, एक मिनट देख लेती हूँ इसका, हाँ यही रहेगा, सरापा राज हूँ मैं, क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ, यानी कि दूसरा जो लाइन है ना ये इसमें जाकर मिल जाएगा और ये इसमें जाकर मिल जाएगा। ठीक है, मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, ये इसमें चला जाएगा। बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता, इसमें चला जाएगा। मुझे ऐ ना खुदा आखिर किसी को मुंह दिखाना है, ये इसमें चला जाएगा। सब तो मिल ही गया, इस तरह आप लोगों को मिलान कर देना है। अब यहाँ पर आठवां सवाल क्या है, हस्ब ज़ेल अल्फाज की जिन्स जुमलों के ज़रिए जाहिर कीजिए, यहाँ पर जिन्स बता देना है कि मुज़क्कर है कि मोनस है, यानी कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, बताना है यही। तो देखिए, अदब जो लफ्ज़ है ना ये अदब सीखना ज़रूरी है, यानी कि अदब क्या है, अदब एक मुअन्नस लफ्ज़ है। ठीक है, मुअन्नस में बोल रही हूँ, मुज़क्कर, अदब सीखना ज़रूरी है, यानी कि अगर ये मुअन्नस रहता लफ्ज़ तो इसको लिखा जाता अदब सीखनी ज़रूरी है, लेकिन क्या है, अदब एक मुज़क्कर यानी कि पुल्लिंग है, तो अदब सीखना ज़रूरी है। ठीक है, शक, मुझे तुम्हारा शक, मुझे तुम्हारा शक करना सही नहीं है। अच्छा, मुझे तुम्हारा शक करना सही नहीं है, शक जो है ना, शक भी एक मुज़क्कर लफ्ज़ है, मुझे तुम पर शक हो रहा है, ऐसे थोड़ा ना बोला जाता है कि मुझे तुम पर शक हो रही है, शक हो रही है नहीं बल्कि हो रहा है, यानी कि शक क्या है, मुज़क्कर है मतलब कि पुल्लिंग है। हौसला, तुम्हारा हौसला बुलंद है, हौसला भी है पुल्लिंग है, हौसला भी क्या है, पुल्लिंग है। ज़ात, खुदा की ज़ात बेनियाज है, अब ज़ात जो है ना ये एक मुअन्नस लफ्ज़ है यानी कि स्त्रीलिंग है। फरेब, किसी को फरेब देना ठीक नहीं है, फरेब क्या है, मुज़क्कर यानी कि पुल्लिंग है। उसी तरह लग्जिश, तुमसे मस्ती में लग्जिश हो गई, तो लग्जिश क्या है, मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग है। ख़ता, मुझसे ख़ता हो गई, ख़ता यानी कि, ख़ता क्या है, ख़ता भी एक मुअन्नस लफ्ज़ है यानी कि स्त्रीलिंग है। आज़ादी, 1974 ईस्वी में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, तो यहाँ पर आज़ादी क्या हो जाएगा, मुअन्नस। और दरिया, दरियाए गंगा का पानी साफ़ है,
तो दरिया क्या होगा, दरिया जो है ना ये हो जाएगा मुज़क्कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तो हम लोग कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 18 कंप्लीट कर लिए, 19 कंप्लीट कर लिए, 20 कंप्लीट कर लिए, 21 कंप्लीट कर लिए और दो बचा हुआ है 22 और 23। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का आंसर वो 22 और 23 दोनों चैप्टर से मिलाकर है। ठीक है, चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं और ये लास्ट है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा और टोटल 6 चैप्टर आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए बस और दो बचा हुआ है, अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए नहीं किए हैं तो। स्टार्ट करते हैं, मुख्तसर तरीन से स्टार्ट हो रहा है। पहला सवाल है कि खलीलुर्रहमान आज़मी कहाँ पैदा हुए, तो आज़मगढ़ के गांव सीधा सुल्तानपुर में खलीलुर्रहमान आज़मी की पैदाइश हुई रहती है, तो ये हो गया जवाब। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल है कि खलीलुर्रहमान आज़मी का पेशा क्या था, तो उनका पेशा अलीगढ़ में तदरीस का था, याद रखिएगा। और तीसरा सवाल कि खलीलुर्रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस अदारे से रहा, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ यानी कि संबंध था। ठीक है, खलीलुर्रहमान आज़मी के एक मजमूए का नाम बताइए, तो उनका एक मजमूए यानी कि किताब का नाम है नया अहदनामा, यहाँ पर लिख दिया गया है। आप लोग भी अपने हिसाब से जो भी किताब आप लोग को याद है किताब का नाम वो लिख दीजिएगा। पाँचवा सवाल है कि किताब उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ये जो किताब है किसकी लिखी हुई है, तो ये भी खलीलुर्रहमान आज़मी की लिखी हुई है। उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक की ये किताब खलीलुर्रहमान आज़मी द्वारा लिखी गई है। छठा सवाल है कि खलीलुर्रहमान आज़मी के दो मुआसरीन का नाम बताइए, दो मुआसरीन का नाम बता देना है, तो देखिए पहला का नाम दिया गया है नासिर काज़मी और दूसरा है इब्न इंशा, ये दो शायर का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुख्तसर सवाल स्टार्ट हो गया यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। पहला सवाल है कि खलीलुर्रहमान आज़मी की शायरी में कैसी कीफियत पाई जाती है, क्या क्वालिटी पाई जाती है खलीलुर्रहमान आज़मी की शायरी में, यह आप लोगों को लिखना है। तो खलीलुर्रहमान आज़मी अपने शायरी में गहरे इंसानी सोच की शमूलियत के लिए एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं, रफ्ता रफ्ता उनकी शायरी में हज़न व मलाल की कैफियत बढ़ती चली गई, आखिरी ज़माने में उनके यहाँ मौत का एहसास और ज़िंदगी के सिमटने का अंदाज़ बार बार उभरता है। अपनी तवील बीमारी के दौरान तो उन्होंने वसीयतनामा भी लिख लिया था, लेकिन उस गम अंगेजी में ज़िंदगी के हकायक से फरार के बजाय मुकाबला आरई देखने को मिलता है, ये हो गया आंसर। दूसरा सवाल, दूसरी गज़ल का काफ़िया और रदीफ अपनी कॉपी में लिखिए, दूसरी गज़ल का काफ़िया और रदीफ लिखना है, तो देखिए काफ़िया है तेरा और रदीफ क्या है, नगमा बाला दरिया रास्ता चेहरा नीला और साया, ये सब उल्टा दे दिया गया है। देखिए रदीफ जो है ना ये हो जाएगा तेरा, ठीक है, और काफ़िया ये सब होगा नगमा बाला दरिया रास्ता चेहरा नीला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल, नीला साहिबा से क्या मुराद है, नीला साहिबा से शायरी की मुराद आसमान का साया है, इस शेर से जाहिर होता है कि शायर रंग वलंग की हालत में भी रजाइत के पहलू से मायूस नहीं है, यानी सूरज अगर शायर पर मेहरबान नहीं है तो क्या हुआ, सूरज तो कायनात का एक तिनका है, शायर को नीले आसमान के साए का पूरा भरोसा है, इसलिए शायर रंजोलम की हालत में भी मायूस नहीं है, ये बात आप लोगों को लिख देना है। चौथा सवाल, खलीलुर्रहमान आज़मी का ताल्लुक उर्दू अदब की किस तहरीक से रहा, तो खलीलुर्रहमान आज़मी का ताल्लुक उर्दू अदब की तरक्की पसंद तहरीक से रहा, यही वजह है कि उन्होंने अपने तहकीकी मकाले के लिए इसी मौजू का इंतखाब किया। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के निगरानी में खलीलुर्रहमान आज़मी ने अपना तहकीकी मकाला मुकम्मल किया और उनके मकाले का उनवान उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक रखा गया था, जो 1972 ईस्वी में छप कर मंजर आम पर आया और जिसे अब भी मयारी तहकीकी मकाला के ज़मन में एक नमूने के तौर पर देखा जाता है। पांचवा सवाल, खलीलुर्रहमान आज़मी ने अपनी शायरी किस बड़े शायर के इत्तबा में की, तो खलीलुर्रहमान आज़मी ने आम तौर से अपनी शायरी में मीर तक़ी मीर की पैरवी की है। खलीलुर्रहमान आज़मी ने जिस ज़माने में अपनी शायरी की इब्तदा की थी वह तकरीबन जदीदियत के आगाज़ का मरहला था,
यही वह ज़माना था जब शायरी में मीर तक़ी मीर की पैरवी को बड़ी अहमियत हासिल थी। चुनांचे खलील रहमान आज़मी अपनी शायरी में मीर की तकलीद का खासा इंतज़ाम किया है। ठीक है, मतलब इनकी शायरी में ज़्यादातर मीर तक़ी मीर की पैरवी है। और उसके बाद से तवील सवालात स्टार्ट हो रहा है खलील रहमान आज़मी की। एक मिनट रुक जाए, खलील रहमान आज़मी की जो है ना, खलील रहमान आज़मी की शायराना खसूसियत पर रोशनी डालना है यहाँ पर। मतलब इनकी शायराना खसूसियत बतानी है कि इनकी शायरी में क्या क्या खसूसियत है, क्या कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। जवाब में लिखा हुआ है कि उर्दू शायरी की तारीख में खलील रहमान आज़मी एक अहम नाम है। आज़मी ने नज़म और गज़ल दोनों इसनाफ में अपनी मुस्तहकम शनाख्त कायम की है और उनकी शायराना खसूसियत को तकलीद मीर के पस मंज़र में देखना चाहिए। एक मिनट रुक जाएँ, ये बार बार, जी हाँ, देखना चाहिए। चुनांचे खलील रहमान आज़मी की ज़ेर निसाब दो गज़लें इस हकीकत के गुमाज़ हैं कि उन्होंने अपनी गज़लों में मीर तक़ी मीर की तकलीद किया है। उनकी गज़लों के अशार में गहरी महजूनियत छाई होती है, लेकिन उनके यहाँ हज़न व यास जो खूबसूरत है उसमें अफसरदगी और ना उम्मीदी नहीं है और न ज़िंदगी से फरार की हालत है, बल्कि उन अशार में हमें ज़िंदगी से मुकाबला करने की तहरीक मिलती है। शामिल निसाब पहली गज़ल में शायर ने जो लफ्ज़ी निज़ाम कायम किया है उसे गौर से देखिए। मिसाल के तौर पर दुश्मन, साया गम, छाँव, अयादत, दिल ज़ख्म, टाँका, बददिमाग और ख्यालों के शहर वगैरह वगैरह, ये सिर्फ अल्फाज ही नहीं हैं बल्कि अपने अंदर छिपे हुए गम और अफसरदगी का हमें बखूबी एहसास दिलाते हैं। साथ ही शायर की ज़िंदगी के गहरे तजर्बात का भी हमें एहसास होता है। तो ये लंबा चौड़ा आप लोगों को आंसर लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, खलील रहमान आज़मी की अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए। खलील रहमान आज़मी की खलील रहमान आज़मी एक साथ शायर और नक़ाद दोनों हैसियतों से अहमियत के हामिल हैं। शायर में भी वह नज़्म और गज़ल दोनों इसनाफ में अपनी मुस्तकिम अदमी शनाख्त कायम करने में कामयाब रहे। जदीदियत के आगाज़ के मरहले में जब पैरवी मीर को बहुत ही अहमियत हासिल थी, उस वास्ते से भी खलील साहब नासिर काज़मी और इब्न इनशा के साथ नुमाया तौर पर पहचाने गए। अब उनकी किताब नई नज़्म का सफ़र, अब भी नई नज़्म का, एक मिनट रुक जाएं, इसको ज़रा और ज़ूम कर दूं, जी हाँ, तो यहाँ पर लिखा गया है कि उनकी किताब नई नज़्म का सफ़र अब भी नई नज़्म का सबसे मुयारी और माकूल इंतखाब तस्लीम की जाती है। खलील रहमान आज़मी की तीन शेरी मजमू शाये हो चुके हैं, कागज़ी पैरहन जो कि 1955 में शाये हुआ है, नया ऐदनामा जो कि 1965 में, ज़िंदगी ए ज़िंदगी 1983 में, आसमा आसमा के नाम से उनकी शायरी का एक इंतखाब भी 2000 में मंजर आम पर आया। उनकी तनकीदी मजामीन के मजमू फ़िक्र व फ़न 1956, ज़ाविय निगाह 1966, मजामीन जो है ना 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, बिहार यहाँ पर लिखा है, बहादुर शाह जफ़र के शायरी का इंतखाब तफसीली मुकदमे के साथ नवाए ज़फ़र के नाम से 1975 ईस्वी में शाये हुआ। उसी तरह 1976 में मसनवी सहरुल बयां पर भी एक भरपूर मुकदमा लिखकर उन्होंने शाये किया। मुकदमा कलाम आतिश किताबी शक्ल में 1959 ईस्वी में मंजर आम पर आया। रशीद अहमद सिद्दीकी की निगरानी में खलील रहमान आज़मी ने तहकीक की थी। उनका तहकीकी मुकाला उर्दू में तरक्की पसंद भी तहरीक में शाये हुआ, जिसे अब भी मुयारी तहकीक मुकालात के ज़मन में एक नमूने के तौर पर देखा जाता है। अब यहाँ पर मैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, और वैसे भी पढ़ रही हूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने से अपलोडिंग में भी दिक्कत होता है, तो फ़िलहाल चलिए मैं पढ़ ही देती हूँ, इतना सब पढ़ दी हूँ तो ये भी पढ़ देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। खलील रहमान आज़मी अपनी तनकीद में तवाज़न और शायरी में गहरे इंसानी सोच की शमूलियत के लिए एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह महजूनियत उनकी शायरी में बढ़ती ही गई। आखिरी ज़माने में उनकी यहाँ मौत का एहसास और ज़िंदगी के सिमटने का अंदाज़ बार बार उभरता है। अपनी तवील बीमारी के दौरान तो उन्होंने अपने खुतबे भी लिखे हैं, खुतबे गलत लिखा गया है,
लिख लिए थे, लेकिन उस गमंगेज़ में भी ज़िंदगी की हकायक से फ़रार के बजाय मुकाबला आरई देखने को मिलती है। यही खलील साहब की शायरी का सबसे रोशन पहलू है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल, दर्ज ज़ैल अशार की तशरीह कीजिए। इसकी तशरीह करना है, ये जितने भी शेर दिए गए हैं ना, इन सभी शेर का तशरीह करना है। पहला शेर क्या है, यारों ने खूब जाके ज़माने से सुलह की, मैं ऐसा बददिमाग यहाँ भी बिछड़ गया। ठीक है, अब क्या बताएं, क्या था ख्यालों के शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया। हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे, नगमा तेरा है जिंदगी, है जिंदगी रुतबर है बाला तेरा। सूरज है गो नाम हैरबा है सर पे नीला, साहिबा है आसमां दायम रहे साया तेरा। इस सभी चारों के चारे शेर का तशरीह आप लोगों को करना है। पहले शेर की तशरीह यहाँ पर की गई है, लिखा गया है कि ज़ेर नसर शेर खलील रहमान आज़मी के ज़ेर नसाब पहले गज़ल का चौथा शेर है। इस शेर में शायर ने ज़िंदगी के गम व अफसरदगी का इजहार किया है, और चुनांचे शायर कहता है कि तेरे अहबाब लोग ही तेरे नहीं बल्कि मेरे, यहाँ पर मेरे रहे, मेरे अहबाब लोग ही अक्लमंद निकले कि उन्होंने वक्त और उसके हालात से समझौता कर लिया और दुनियावी कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन शायर अपने आप को बददिमाग कहते हुए ये साबित करना चाहता है कि मैं ज़माने के तकाजों के साथ नहीं चल सका, इसलिए इस मामले में भी मैं पिछड़ ही गया। आज़मी की इस शेर की गहरी मखज़ूनियत छाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस शेर में यही बताना चाहें कि खलील रहमान आज़मी के जितने भी अहबाब लोग थे, जितने भी रिश्तेदार थे, सभी लोग ज़माने के साथ सुलह की, ज़माने के साथ बदलते गए और आगे जाकर उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन मैं ऐसा बददिमाग कि मैं इसमें भी पिछड़ गया, यानी कि ज़माने के हिसाब से मैं नहीं बदल पाया। दूसरे शेर की तशरीह यहाँ पर की गई है कि पेश नज़र शेर खलील रहमान आज़मी की ज़ेर निसाब पहली गज़ल से माखूज़ है और गज़ल का मक्ता भी है। इस शेर में शायर ने ख्यालों के शहर और उजड़ गए जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके शेर में हज़ल मुमलाल की एक नई कैफियत पैदा कर दी है। इन अल्फाज के पस मंज़र में अगर देखा जाए तो यह नतीजा निकलता है कि शायर ने कल्बी व अंदरूनी वाक़यात के साथ अपने ज़ाती जज्बात व एहसास को भी शामिल कर दिया है, तभी इन शायर में दर्द और ठेस की शिद्दत हद से ज़्यादा दिखाई देती है। शायर यह कहना चाहता है कि हम दुनियावी कामयाबी से पहले ही ज़िंदगी से रुखसत सफ़र बांध चुके हैं। ठीक है, तीसरे शेर की तशरीह, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे, नगमा तेरा है ज़िंदगी, है ज़िंदगी रुतबर है बाला तेरा। ये तीसरा शेर है और इसकी तशरीह की गई है कि ज़ेर नसर शेर खलील रहमान आज़मी की ज़ेर नसाब दूसरी गज़ल का मतला है, और इस शेर में शायर ने इंसानी ज़िंदगी के गहरे तजर्बात को पेश किया है। यह गज़ल उसने ज़िंदगी के आखिरी दौर में कही है, जहाँ वह हर वक्त हर कदम पर मौत की महीब आहट को सुन रहे थे, और इस सफ़र में वो मौत की बांसुरी पर ज़िंदगी का गीत गाने की बात कर रहा है। इसके बावजूद ज़िंदगी की सरसब्जियों और रानाइयों को दुआएं देता हुआ नज़र आ रहा है, और इसकी रजाइयत पसंदी की बेहतरीन मिसाल है। ये हो गया आंसर चौथे शेर की तशरीह। चौथा शेर क्या है, सूरज है गोना मेहरबान है सर पे नीला, साहिबा है आसमां दायम रहे साया तेरा। तो इसकी तशरीह लिखी गई है, पेश नज़र शेर खलील रहमान आज़मी की ज़ेर निसाब दूसरी गज़ल का मक्ता है, और इस शेर में शायर ने लफ्ज़ आसमां को पेश करके तकरार की सूरत पैदा की है। शायर अपने शेर में मानवी वसीयत पैदा करने के लिए कभी कभी यह इल्तज़ाम करता है। शायर की यह बड़ी खूबी है कि उसने तकरार के ज़रिए अशआर में शिद्दत पैदा करने की कामयाब कोशिश की है। इस शेर में शायर ख़ास तौर से आसमान को अपना मुहाफिज तस्लीम करते हुए दुआओं से नवाजा है। चौथा सवाल, सही मिसरे की पहचान करें। सही मिसरा की पहचान करना है, यहाँ पर जवाब में लिखा हुआ है, देखिए। पहला है, अब क्या बताएं ख्यालों के शहर में क्या था, ख्यालों के शहर में क्या था, अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में। आई थिंक तीसरा सही है, देख लेते हैं जवाब में क्या है। जवाब में लिखा है, अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में, मैं बोली थी ना, तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा दुरुस्त है मिसरा। ठीक है, अब क्या बताएं क्या था ख्यालों के शहर में, ये सही आंसर है। ठीक है, इसमें आप बताएं कौन सही है। हम बांसुरी पर गाते रहे नगमा तेरा मौत की, गाते रहे नगमा तेरा हम बांसुरी पर मौत की, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। कौन लगता है कि कौन मिसरा सही है, ये कि ये
मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी मतलब ये ठीक है। देख लेते हैं जवाब में सही है कि नहीं। जी हाँ, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, बिल्कुल मैं सही बताई। आई होप आप लोग भी सही बताए होंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तीसरा सवाल क्या है, मंजिल तो क्या हमको मिले, चलता रहे रास्ता तेरा, चलता रहे रास्ता तेरा, मंजिल तो क्या हमको मिले, मंजिल तो क्या हमके मिले, रास्ता तेरा चलता रहे। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यही सही मिसरा लग रहा है हमें। और देखिए वही बात है, मंजिल तो क्या हमको मिले, चलता रहे रास्ता तेरा, वही बात है, मंजिल तो क्या हमको मिले, चलता रहे रास्ता तेरा, हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, पांचवा सवाल ग्रामर से ही पूछा गया है। मंदर ज़ैल अल्फाज की जिनसियत जुमलों से जाहिर कीजिए, मुजक्कर मोनस बताना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। देखते हैं, छाँव जो है ना, बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है, ठीक है, यानी कि छाँव जो है ना वो एक स्त्रीलिंग है, मुअन्नस है। इयादत, बीमारों की इयादत करनी चाहिए, यानी कि इयादत भी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, मुअन्नस है। सुलह अच्छी चीज़ है, सुलह भी क्या है, मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग है। सुलह अच्छी चीज़ है ना कि अच्छा चीज़ है, ठीक है। नगमा, तेरा नगमा खुश आवाज़ है, नगमा मुजक्कर है यानी कि पुल्लिंग है। मुकद्दर, उसका मुकद्दर ही ख़राब है, मुकद्दर भी क्या है, मुकद्दर भी मुजक्कर यानी कि पुल्लिंग है। मेहरबानी, मेहरबानी या आपकी मेहरबानी है कि आप तशरीफ़ लाएँ, मेहरबानी क्या है, मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं, वाहिद से जमा बनाना है, एक वचन से बहुवचन बनाना है, ये यहाँ पर लफ्ज़ दिया गया है और इन्हीं लफ्ज़ का बहुवचन और बहुवचन से मतलब इसमें एक वचन भी है, वाहिद भी है और बहुवचन यानी कि जमा भी है। जो वाहिद है यानी कि एक वचन है उसको बहुवचन बनाना है, और जो जमा है यानी कि बहुवचन है उसको एक वचन बनाना है। तो देखिए देखिए सबसे पहला लफ्ज़ है दुश्मनों, जो कि बहुवचन है, जमा है, और इसका एक वचन सिंगुलर लफ्ज़ क्या होगा, सिंगुलर वर्ड वो होगा दुश्मन, ठीक है। ज़माना, ज़माने या फिर अजमना। मेहरबानियाँ, मेहरबानी, मेहरबानी क्या था, जमा वाहिद हो गया मेहरबानी। अमवात, मौत। जिंदगियों, जिंदगी। यारों, यार। कोताही, कोताहियाँ। मंजिल, मनाजिल। जंजीर, जंजीरों। फाइनली आज के इस वीडियो में टोटल 6 चैप्टर कम्प्लीट हो गया, 18 से लेकर 23 तक आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लिए। और इसी तरह अगले वीडियो में अब देखिए कितना चैप्टर मैं आप लोगों को कंप्लीट कराती हूँ। लेकिन हाँ, बहुत जल्द आप लोगों का सारा क्वेश्चन आंसर यानी कि हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाने वाला है। और फिर बहुत जल्द मैं ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करूँगी, और वो भी नहीं तो लाइव टाइमिंग और डेट आप लोग को बता दिया जाएगा। आप लोग टेंशन फ्री रहें, बस मैं आप लोग को जो कुछ भी समझा रही हूँ, समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख कर बताते रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को तो फटाफट लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, शेयर करके मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि हमारे अंदर भी मोटिवेशन जगे और भी बेहतर कंटेंट तैयार करने की। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।